अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फिटफाट है। मेरी यूट्यूब चैनल तो हमेशा खैरियत से होती है, अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट होती। तो भाई आपका भाई भी खैरियत से है, फिटफाट है। तो भाई क्या सीन्स है? जिम के सीन्स हैं भाई, जिम के सीन्स हैं। जिम जा रहा है आपका भाई और कल पहला दिन था और बड़ी कोई बॉडी में टाइट वाला दर्द हो रहा है। कल हमने लगाया था चेस्ट और ट्राइसेप, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। चेस्ट और ट्राइसेप लगाया था, बड़ा दर्द हो रहा है बॉडी में। और आज क्या है, बैक और बाइसेप। अच्छा जी व्यूअर्स, तो भाई एक्सरसाइज ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बैक और बाइसेप की एक्सरसाइज थी, इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लग रही थी। उसका रीज़न ये है कि मसल मेरा पम्प हो गया था बहुत ज़्यादा, और जब मसल पम्प हो जाता है आपका तो उसके बाद तो आपसे थोड़ा सा वेट भी नहीं उठता। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लग रही थी एक्सरसाइज। ज़ाहिर सी बात है, तकरीबन 5 महीने बाद मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया दोबारा से। 5 महीने से बिल्कुल छूटी की थी एक्सरसाइज, मतलब इतनी हद हो गई थी कि पुशअप्स भी नहीं कर रहा था मैं घर पे। तो अभी दोबारा स्टार्ट की है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिदम में आएंगे, फिर मज़ा आएगा, वेट भी अच्छा होगा, एक्सरसाइज करने में भी मज़ा आएगा। अभी तो बस ये है कि रूटीन बनाने की कोशिश हो रही है। रोज़ाना दिल चाहता है कि यार छोड़ो यार, सो जाते हैं, लेकिन ये है कि रूटीन बनाने की पूरी कोशिश है। इंशाल्लाह अल्लाह ने बेहतर चाहा तो रूटीन बन जाएगी हमारी और ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज से क्या होता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, ज़बरदस्त काम हो जाता है। और माइंड के साथ साथ बॉडी फ्रेश, माइंड फ्रेश, मूड फ्रेश। सबसे अच्छी बात कि एक्सरसाइज करने के बाद ना मूड आपका बड़ा फ्रेश हो जाता है और फिटनेस हो जाती है। मूड अच्छा हो रहा है, माइंड फ्रेश हो रहा है, ये सीन्स है। अच्छा जी व्यूअर्स, द वेट इज़ ओवर। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, न्यू कार ले ली। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ आपको गाड़ी दिखाने के लिए, गाड़ी के फ़ीचर्स दिखाने हैं, गाड़ी कौन सी है, गाड़ी के क्या फ़ीचर्स हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अब क्या करना है, हमने गाड़ी में चलना है, ऑलवेज अपनी न्यू कार में चलना है। आ जाएं, दिखाता हूँ आपको अपनी नई कार। भाई क्या कहते हैं, दिखा दूँ? हैं, दिखा दूँ, दिखा दूँ, देख लें। चलें आपको दिखाते हैं, हम अपनी रिवील करते हैं अपनी नई कार और मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखें भाई, ये है टोयोटा प्रियस और ये आपके भाई की फेवरेट कार। कैसी लगी आपको आपके भाई की न्यू कार? मुबारकबाद कमेंट्स में करें आप लोग, और लाजमी करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरे व्यूअर्स को मेरी कार अच्छी लगी या नहीं लगी। जैसा भी है आपने बताना ज़रूर है। तो भाई ये रही। अब इसके फ़ीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। एक तो सबसे पहला आपने देखना है इसमें, ये देखें, इसमें हैं DRLs। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हैं सारी DRLs इसकी, प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स और DRLs। इसके अलावा दूसरी मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हाइब्रिड। ये तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि भाई जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ा हुआ है हमारा, उस हिसाब से हाइब्रिड तो बेस्ट है। ये देखें यार, ये तो बेड सीन है। ये बिल्ली जो है यहाँ से कूदती हुई आई है और यहाँ से, ये देखें भाई की गाड़ी पर, भाई की नई गाड़ी पे यार बिल्ली कूद रही है यार, क्या हो रहा है ऐसे? बिल्ली अच्छा नहीं किया तुमने। खैर हम दोबारा फ़ीचर्स पे आ जाते हैं। तो भाई इसमें ये देखें आप लोग, शायद ये आप लोगों को दिख रहा हो, ये 2 लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये हैं सेंसर। तो अभी हम कर देते हैं गाड़ी को लॉक, सही है। अब हमने क्या करना है, रिमोट ये रहा आपके भाई के हाथ में, ये देखें रिमोट ये रहा आपके भाई के हाथ में। हमने क्या करना है, रिमोट नहीं दबाना है, सिर्फ ये देखें रिमोट मेरे हाथ में, मैंने यूं करके 2 उंगलियां रखी और ये गाड़ी अनलॉक हो गई। दोबारा करके दिखाते हैं आपको, ये गाड़ी हो गई लॉक और ये देखें रिमोट मेरे हाथ में, ये मैंने दो उंगलियां रखी और गाड़ी अनलॉक हो गई। क्या बात है, क्या बात है। ये देखें अब आप लोग, ये गाड़ी का हमने खोल लिया दरवाज़ा और यह आ गया हमारी प्रियस, हमारे जहाज़ का इंटीरियर। क्योंकि भाई प्रियस तो जहाज़ है, जहाज़ है वाकई, 1.8 है और जहाज़ है। अब अंदर बैठते हैं गाड़ी के और मज़ीद गाड़ी के शशके आपको दिखाते हैं। ये आ गए हम गाड़ी में भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई अभी जो है ये गाड़ी अभी अभी आई है, तो मैंने अपने हिसाब से इसको बिल्कुल सेट नहीं किया है। मतलब आपको पता है गाड़ी लेने के बाद जब तक मैं उसको अपने हिसाब से सेट नहीं करता मुझे मज़ा नहीं आता। तो भाई अभी गाड़ी के अंदर बैठे में गर्म हो रही है गाड़ी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और गाड़ी के मीटर की एनिमेशन आपको दिखाते हैं। क्या एनिमेशन है, आपने देखी नहीं होगी यार, बल्कि ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं देखी हो, देखी होगी, लेकिन ये एनिमेशन जो है ना, ये लव है यार, लव है। ये देखें भाई, ये आ गया हमारी गाड़ी का पुश स्टार्ट बटन। ये हमने पुश स्टार्ट किया और ये देखें आप लोग, क्या बात है भाई, क्या बात है। प्रियस, ये एनिमेशन देखिए आपने, प्रियस अलग ही क्लास आती है। और अब हम आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। तो भाई ये कुछ जैपनीज में इन्होंने बोला, हमें समझ नहीं आया। ये ETC का पता नहीं उन्होंने क्या बोला, हमें तो समझ नहीं आया। अभी हम ऑन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले AC, ये हमने ऑटो किया और ये गाड़ी का AC ऑन हो गया। ये अब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ये देखें आप लोग, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है ये, क्योंकि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। इसकी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, ज़बरदस्त आपके भाई की गाड़ी। और ये जो इसमें LED लगी हुई है, सबसे पहले हमने यही चेंज करानी है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये LED इम्पोर्टेड LED है, जैपनीज़ में। देख रहे होंगे आप लोग, इसमें सब कुछ जैपनीज़ में लिखा हुआ आ रहा है। तो भाई हम तो जैपनीज़ है नहीं, तो हमें ये समझ नहीं आएगा। और इसको अगर हम कन्वर्ट करवा भी लें, कन्वर्ट हो जाती है इंग्लिश में, लेकिन उसका मसला ये आता है कि कभी कभी जब ये दोबारा से रीस्टार्ट होती है ना LED, तो वो जो भी हमने कन्वर्ट करवाई होती है, इसमें लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हम डलवाएंगे इसके अंदर, वो उड़ जाएगा, दोबारा ये जैपनीज़ में आ जाएगी। तो ये इस परेशानी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एंड्रॉयड LED लगवा देंगे अपनी और जान छुट जाएगी हमारी, क्योंकि इसमें अभी USB भी नहीं लगती। ये देखें, माइक वगैरह का तो इसमें ऑप्शन है, लेकिन ये USB का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ब्लूटूथ वगैरह चलता है इसमें, और हमने जो है गूगल ट्रांसलेटर से कर आगे कुछ ना कुछ करके हमने इसका ब्लूटूथ तो ऑन कर लिया। मुझे जैपनीज़ तो समझ आती ही नहीं है, गूगल ट्रांसलेटर से इसमें चेक करके हमने इंग्लिश में चेक किया कि भाई ब्लूटूथ किधर है, और ब्लूटूथ हमने कर लिया ऑन। तो अलहमदुलिल्लाह ब्लूटूथ ऑन हो गया। अब हम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक इसकी ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है इस गाड़ी में। गाड़ी में क्या है, ये घेर देखें आपको। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतने से घेर हैं। ये देखें भाई, ये इतने क्यूट से घेर हैं इसके। ये गेयर बॉक्स है, ये बड़ा प्यारा सा गेयर बॉक्स है, और इतना सा घेर है, सिर्फ 2 उंगलियों से इसके घेर लगते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी है। और दूसरी बात, अभी गाड़ी स्टार्ट है, अगर मैं ये देखें, अगर मैंने AC को कम कर दिया तो आपको कोई साउंड नहीं आ रही होगी इंजन स्टार्ट होने की, कोई किसी चीज़ की, क्योंकि इसका इंजन बेसिकली जो है वो हाइब्रिड गाड़ी है। तो ये गाड़ी स्टार्ट होती है बैटरी पे, इंजन पे स्टार्ट नहीं होती, बैटरी पे स्टार्ट होती है। और वाइब्रेशन वगैरह सी बात है, इंजन ही स्टार्ट नहीं है तो गाड़ी में वाइब्रेशन किस चीज़ की आएगी, कोई साउंड नहीं आएगा। जैसे कि अभी आपको पता चल रहा है कि गाड़ी में कोई साउंड नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई इंजन स्टार्ट ही नहीं है। गाड़ी स्टार्ट है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं है, क्लास चेक करें आप सिर्फ। उसके अलावा आप देख लेते हैं हम, अब आपको पुराना दौर याद आ गया होगा, पुराना वाला सीन्स याद आ होंगे कि जब मैं गाड़ियों के रिव्यूज़ करता था, कार रिव्यू आता था, वही वाला सीन लग रहा है कि भाई अपनी गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं, अभी प्रियस का रिव्यू कर रहे हैं, अपनी प्रियस का रिव्यू कर रहे हैं। तो भाई इसका रिव्यू भी प्रॉपर बनाएंगे हम, ज़बरदस्त करके प्रियस रिव्यू, टोयोटा प्रियस रिव्यू, ये बनाएंगे, ज़बरदस्त करके रिव्यू भी आएगा इसका। लेकिन अभी ये है कि ऊपरी फीचर्स बता रहा हूँ आपको, ताकि एक वादा किया हुआ था कि यार फीचर्स बताएंगे, गाड़ी रिवील करेंगे। तो अब ये देखें आप लोग, ये आप लोग देख रहे हैं, ये बैटरी जो आ रही है, बेसिकली ये बता रही है कि अभी गाड़ी जो है, इसके सेल्स हैं 2%, मतलब 2 सेल्स हैं इसके टोटल अभी ना गाड़ी के। और अभी ये देखें आप लोग, जो EV लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला EV, ये जो EV लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली इसका ये मतलब है गाड़ी अभी बैटरी पे है, इंजन स्टार्ट नहीं है। इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ये ईवी ख़त्म हो जाएगा, इंजन पे आ जाएगी गाड़ी, और जैसे ही इंजन बंद होगा दोबारा से ईवी लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब बैटरी पे आ गई गाड़ी। ईवी का मतलब ये है। अब हमने आपको बैटरी और ईवी तो समझा दिया, इकोनॉमिक मोड भी है इसमें नॉर्मली जो हर गाड़ी में होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं भाई, यहाँ पे देखें आप लोग, ये आ गया ईवी का बटन जो कि मैंने अभी आपको समझाया। इकोनॉमिक मोड जो आपको पता ही होगा हर गाड़ी में आ रहा है आजकल। अब ये है पावर मोड। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये पावर मोड क्या है भाई, क्या गाड़ी के अंदर पावर्स आ जाती हैं? भाई ऐसा यही समझ लें, ऐसे ही समझ लें आप, गाड़ी के अंदर पावर्स आ जाती हैं। पावर किस तरह आती है कि पावर मोड जब आपका मूड हो गाड़ी को एक्सीलरेट करने का, बहुत ज़्यादा भगाने का, स्पीड अप करने का, तो फिर आप ये पावर मोड दबा के यूज़ कर सकते हैं। कि किसी को मतलब नॉर्मली तो यूज़ नहीं होता, क्योंकि इससे पावर मोड्स के एक फ़ायदा भी और एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि गाड़ी का पिक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। देखें अभी आप लोगों को जो है हल्की हल्की वाइब्रेशन फील हुई होगी और हल्का सा साउंड भी आ रहा होगा, शायद आपको फील हो रहा हो, वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इंजन स्टार्ट हुआ है गाड़ी का। अब कुछ सेकंड बाद, 30 सेकंड 45 सेकंड बाद इंजन बंद हो जाएगा, दोबारा गाड़ी बैटरी पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो भाई पावर मोड पे आ जाते हैं। पावर मोड का फ़ायदा ये है कि पिकअप अच्छा हो जाता है, वो पिकअप बोल रहा हूँ अपना, गाड़ी बहुत स्पीड से भागना शुरू हो जाती है पावर मोड प्रेस करते ही, और जितना आप एक्सीलरेट करेंगे गाड़ी को उस हिसाब से पावर मोड से गाड़ी बहुत तेज़ भागी, गाड़ी का आरपीएम बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। नुकसान ये है कि पावर मोड ज़ाहिर सी बात है आरपीएम अप हो रहा है गाड़ी का, तो गाड़ी पेट्रोल फिर ज़्यादा खाती है अगर आप पावर मोड पर चलाते हैं तो। वैसे भी क्योंकि 1800 सीसी गाड़ी है इसमें पावर मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली, लेकिन कभी होता है अक्सर आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो आप पावर मोड यूज़ कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ का अगर फ़ायदा है तो दूसरा नुकसान भी है। तो भाई सीन क्या है अब, क्या है एसी इसका बहुत सॉलिड है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। ये हमने अपनी पुरानी गाड़ी का ही रखा है, अब हमारी ओल्ड गाड़ी का जो सामान था वो ऑलरेडी हम इसमें रख चुके हैं। अब ये देखें आप लोग, ये क्या है? आप लोग बोलेंगे ये क्या है? ये भाई स्पेशली क्लासेस के लिए, क्लासेस स्पेशली क्लासेस के लिए, क्योंकि आप लोगों को याद होगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो मेरे क्लासेस इस जगह रखे हुए होते थे, हमेशा मैं यहाँ पे रखता था क्लासेस। लेकिन इस गाड़ी में क्या है, यहाँ पे नहीं रखेंगे भाई, ये हमारा ज़बरदस्त सीन है। ये प्रेस करा और ये देखें यहाँ पर रखेंगे हम क्लासेस। पहले वाली गाड़ी में सनरूफ था, इसमें सनरूफ नहीं है, चलो कोई मसला नहीं है, इसमें उससे ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा। अब मज़ीद इतने सारे फीचर्स हैं कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। ये देखें आप गाड़ी देखें कैसी लग रही है, आपके भाई की लग रही है नहीं लग रही टाइट? तो भाई बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत मज़े के फीचर्स हैं। और मतलब ये देखें आप, एक ये छोटा सा फीचर आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा हो रेडी। अब ये रेडी क्यों है, रेडी क्यों लिखा हुआ आ रहा है? और आपने आप सोचेंगे और किसी गाड़ी में तो नहीं आता रेडी लिखा हुआ यार। तो भाई रेडी इसलिए लिखा हुआ आ रहा है इसमें क्योंकि गाड़ी जो है जब स्टार्ट होती है तो आपको पता नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है, क्योंकि आपने पुश स्टार्ट बटन दबा दिया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो जाती है आपको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वाइब्रेशन नहीं आती तो आपको पता भी नहीं चलता है गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है रेडी, रेडी का मतलब है गाड़ी स्टार्ट है, आप गेयर लगा के गाड़ी चला सकते हैं। अगर रेडी नहीं लिखा हुआ है तो मतलब गाड़ी स्टार्ट अभी तक नहीं हुई है, सही है, क्योंकि ब्रेक दबा के, ब्रेक प्रेस करके ही पुश स्टार्ट बटन दबाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है, और अगर आप ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे सिर्फ पुश स्टार्ट बटन दबाएंगे तो गाड़ी की सिर्फ एलईडी ऑन होगी। ये अक्सर होता है ना, हमने गाड़ी पार्क की भी है और हमें सिर्फ गाने सुनने लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, तो हम सिर्फ पुश स्टार्ट बटन दबाएंगे, ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे, एलईडी स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी की। ये हर गाड़ी में होता है, ऑलमोस्ट हर गाड़ी में होता है फीचर, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने रेडी का मतलब क्या था। तो भाई ये आपके भाई की गाड़ी, उम्मीद करता हूँ आपको गाड़ी मेरी लगी होगी VIP, सही है, क्योंकि टोयोटा प्रियस हाइब्रिड यार 1.8 क्लास ही अलग है। मतलब इसकी ड्राइव तो ऐसी है कि बस लव है यार, लव। मुझे जो है सिविक के बाद इस गाड़ी की ड्राइव अच्छी लगी, सिविक की ड्राइव बहुत अच्छी है, लेकिन सिविक का फ्यूल एवरेज बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आजकल के दौर में सिविक रखना आसान नहीं है भाई, क्योंकि बहुत ख़राब फ्यूल एवरेज है। इसका फ्यूल एवरेज अच्छा है, इसकी ड्राइव अच्छी है, इसमें शशके भरपूर हैं, इसमें क्या क्या नहीं है यार। ये देखें आप लोग, ये देखें सिर्फ ये देखें जहाज़ का इंटीरियर लगता है पीछे से। ये अगर आप बैक साइड में बैठे हैं और फिर आप ये डैशबोर्ड इसका देख रहे हैं तो ये ऐसा लगता है जहाज़ का इंटीरियर है, और इसमें LED ये पूरा जो है डिजिटल देख रहे हैं आप, डिजिटल मीटर है इसका पूरा कंप्लीट, और बहुत ज़बरदस्त सीन्स हैं। तो भाई ये थी गाड़ी, वादा पूरा हुआ, गाड़ी भी दिखाई, गाड़ी के फीचर्स भी दिखाए, भरपूर सारी चीज़ें बता दी। अब मज़ीद जो चीज़ें हैं जो मिस हो गई, बहुत सारे मज़ीद और फीचर्स हैं वो मिस हो गए। जाहिर सी बात है एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, तो अगली को वीडियो बनाऊंगा टोयोटा प्रियस हाइब्रिड 1.8 रिव्यू, ओनर रिव्यू, माय ओन कार ओनर रिव्यू। तो भाई ये जब वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह तो उसमें डिटेल से A to Z सारे फीचर्स बताएंगे, सारी इसकी खामियां खूबियां सारी सब बताएंगे। खामियां तो कोई इतनी ख़ास नहीं है, खूबियां ही हैं, क्योंकि जैपनीज़ कार है, जाहिर सी बात है लोकल मैन्युफैक्चर नहीं है। लोकल मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें खामियां खूबियां दोनों होती हैं, लेकिन जैपनीज़ कार में खामियां बहुत कम होती हैं, खूबियां ही खूबियां होती हैं ज़्यादातर। इस वजह से मैंने गाड़ी ली है टोयोटा प्रियस हाइब्रिड 1.8। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको मेरी गाड़ी अच्छी लगी होगी और मेरा ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट कर दिया करें, ताकि पता चले, हाँ यार मुझे भी पता चले हाँ यार ब्लॉग अच्छा लगा है मेरे व्यूअर्स को। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आपने अपना रखना है बहुत बहुत सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।